विपरजॉय तूफान के कहर की खबर से। गुजरात के तट से जा टकराया विपरजॉय तूफान, भारी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचाई है। द्वारका, कच्छ, मोरबी कई जगहों पर, इनके अलावा भी कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। हवा के चलते, तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, कई इलाकों में एहतियातन बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है। विपरजॉय तूफान गुजरात से टकरा चुका है और उसके बाद इसकी तीव्रता में गिरावट आई है, लेकिन यह बहुत तेजी से चूंकि रास्ते बदल रहा है तो यह कहा नहीं जा सकता कि खतरा टल गया है। ग्वालियर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, स्विमिंग पूल में घुसने पर बच्चों को पीटने का यह पूरा मामला है। बच्चों से पिटाई के मामले पर बाप बेटे पर केस दर्ज किया गया। स्विमिंग पूल के संचालक भूरा गुर्जर और उसके बेटे आशु गुर्जर पर केस दर्ज हुआ है। मुरार थाने में इन दोनों पर मामला दर्ज हुआ, बिना अनुमति के घुसने पर बच्चे बिना इजाजत के घुस गए थे। इस पर भूरा और उसके बेटे आशु ने मारपीट की थी। इसका वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो में बच्चे माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे। मुरार थाना इलाके के बड़ा गांव की यह घटना है। न्यूज 18 लगातार इस बेरहमी की खबर दिखाता रहा और अब इसका बड़ा असर हुआ। भूरा और उसके बेटे पर केस दर्ज हुआ है। भूरा और उसके बेटे आशु, इन दोनों पर केस दर्ज किया गया है। अभी घर आगे बता रहा हूँ लोगों तुम्हें।